हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में जो टर्म टू का पहला सिलेबस है और हम लोग स्ट्रिक्टली बेस्ड रहेंगे टर्म टू के सिलेबस पे। और टर्म टू के सिलेबस में रे ऑप्टिक्स में जो है रिलेटेड टॉपिक्स, जो हमारे स्टार्टिंग का टॉपिक है रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर फॉर्मूला, ये सब सारे टॉपिक्स जो है वो डिलीट हो चुके हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, तो रे ऑप्टिक्स का जो हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और इस रिफ्रैक्शन में हम लोग जानेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में, आखिर हम लोग रिफ्रैक्शन कहते किसको है, आखिर रिफ्रैक्शन है क्या। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्टिव और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। थर्ड जो टॉपिक होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड देन लास्ट टॉपिक होगा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग जानेंगे कि आखिर रिफ्रैक्शन होता क्यों है। ठीक है, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और लाइट व्हेन लाइट जब ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उस चीजों को जानेंगे कि आखिर वो चीजें होती क्यों है यहाँ पर। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन है हमारा रिफ्रैक्शन का कि बेंडिंग ऑफ लाइट पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, आइदर द मीडियम मे बी रेयरर और द मीडियम मे बी डेंसर। तो यहां पे बेसिक जो है वो क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट पाथ के बेस पे लॉज दिए गए हैं जिनको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये जो लॉज है ये बेसिक लॉ है जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो ये लॉ क्या है देखते हैं हम लोग। बेसिकली ये हमारा मीडियम ऑफ सेपरेशन हो गया, मीडियम ऑफ सेपरेशन मीन्स ये जो लाइन है दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे मीडियम वन हो गया हमारा, ये मीडियम टू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्मल हो गया। फिर एक लाइट इंसिडेंट होगा इस पॉइंट पे, जो एंगल बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि ये रेयरर से डेंसर जा रहा है, डेंसर से रेयरर। अभी हम लोग सपोज कर ले रहे हैं क्या कि रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है, तो ये बेंड्स अभी टुवर्ड्स द नॉर्मल, जबकि इसकी इसका पाथ जो होना चाहिए था वो कैसा होना चाहिए था, ऐसा। ये लाइट को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये लाइट जो है वो बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये रे जो है वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है। ये रे जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। ये सारी चीजें बेसिक्स हैं। अब आगे देखते हैं लॉ क्या कहता है। लॉ जो है पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में, आखिर ये लॉज क्या है, ये सारे टॉपिक्स ध्यान रखेंगे हम लोग, क्योंकि आज ये इस वीडियो में हम लोग को ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये डायग्राम हम लोग फिर से बना ले, ये हमारा डायग्राम था, ये मीडियम वन और ये मीडियम टू, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी हम लोग सपोज के रेयरर टू डेंसर। तो यहाँ पे पहला जो लॉ है वो क्या है, द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल, साथ साथ आप लोग लिखते हुए भी जाए है ना, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है यू इसको कहते हैं लोग, जहां जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे
लाई कर रहा है वो हमारा क्या कह रहे हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो है हमारा प्लेन, ये प्लेन पे इंसिडेंट रे आ रहा है, ये प्लेन है हमारा, मीडियम ऑफ सेपरेशन जो है एक प्लेन की तरह काम करता है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रहा है, इसके नीचे ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों जो है वो एक ही प्लेन पे होंगे और एक ही पॉइंट ऑफ, इनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जो कि स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अगर एग्जाम में स्नेल्स लॉ आता है तो सिर्फ हम लोगों को सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। यानी रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। और ये जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है, म्यू। म्यू म्यू को किसको हम लोग लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये रेशियो जो है वो हमेशा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो ये लॉस थे हमारे रिफ्रैक्शन के, ये दो लॉ है। अगर इसका स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख लें कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन, सॉरी, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। और नीचे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह का लिख लेंगे, ठीक है। तो ये दो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके बारे में हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, आखिर ये म्यू जो है ये किस तरह से अफेक्ट करता है पाथ को, लाइट के पाथ को, या लाइट की स्पीड को किस तरह से अफेक्ट करता है, वो चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली म्यू से डिनोट होता है, ठीक है। और इसको अगर डिफाइन करें हम लोग, तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये बेसिक डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यानी ये रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम और एयर हम लोग कह सकते हैं, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। यानी अगर इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो सी अपॉन वी, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अब यहां पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर बेसिकली बताता क्या है, किस चीज के बारे में, आखिर देखो फॉर्मूला हम लोग बहुत स्टार्टिंग क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 8th-9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लेकिन एक्चुअली जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बात करता है वो किसके बारे में बात करता है, कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम होता है, कितना होता है, 3×10⁸। तो अगर किसी और मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी इन कंपेरिजन टू वैक्यूम और एयर, है ना। तो किस रेशियो में कम होगा वो कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कितना कम है, ना ज्यादा तो हो नहीं सकता, कितना कम है किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड, इससे कम है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इससे कितना कम है वो कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, है ना, ये बात भी ध्यान रखना है कि इसकी कोई यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड ऑफ स्पीड, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है देखते हैं हम लोग। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये क्या कर रहा है, कंपेरिजन, है ना। ये जो रेशियो होता है वो हमेशा किसी ना किसी चीज का कंपेरिजन ही होता है। तो यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब हुआ, कि स्पीड ऑफ लाइट, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द स्पीड ऑफ लाइट
इन मीडियम टू, ये क्या है, रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, तो ये रेशियो हमारा बताता है। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ये वन म्यू टू इस तरह से लिखते हैं, इसका होता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ऐसा इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। फिर अगर वन म्यू टू हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें तो अगर सपोज कर लें ये वी वन है और ये क्या है वी टू है, तो वी वन अपॉन वी टू, तो ये हमारा रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया। इस केस में हम लोगों ने वैक्यूम के साथ कंपेयर किया था, यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम आपस में कंपेयर कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट को, तो ये हमारा फॉर्मूला रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का हो गया। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, जाहिर सी बात है। अब जब ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया, तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे और अब हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है, रीजन क्या है रिफ्लेक्शन होने का, किसी भी लाइट के पाथ का चेंज होने का रीजन क्या है, वो हम लोग यहाँ पे रीजन देखेंगे। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे बेसिक कॉज और मेजर कॉज है क्या, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, क्लियर है, यानी हर एक मीडियम में स्पीड जो होती है लाइट की वो क्या होती है अलग अलग होती है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक रीजन हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि आखिर लाइट जो है बेंड क्यों हो रही है, रेयरर मीडियम में रेयरर टू डेंसर जब जाते हैं तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर टू रेयरर जाते हैं तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आखिर ऐसा क्यों होता है, उन चीजों के बारे में हम लोग देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लें, ये डायग्राम हो गया मीडियम ऑफ सेपरेशन, ये नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ये इंसिडेंट रे आ रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। अब यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं करना, हम लोग बस मीडियम डिसाइड करना है, कौन सा मीडियम है, ये रेयरर मीडियम टू, सॉरी रेयरर टू डेंसर मीडियम। अब इस केस में लाइट का पाथ कैसा होगा, देखो एक्चुअली जाना तो कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, आइदर ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है और कैसा वो पाथ होगा लाइट का आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहली चीज कि हम लोगों ने म्यू देखा था, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है वी वन अपॉन वी टू, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि रेयरर मीडियम में जो वेलोसिटी है लाइट की वो वी वन है और डेंसर मीडियम में क्या है वी टू, क्लियर। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है कि रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वी टू, तो यहां पे V1 will be greater than V2. अब जब V1 greater than V2 होगा तो म्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा वन से, है ना, म्यू क्या होगा डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो म्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा वन से। अब वन से जब ग्रेटर हो गया तो हम लोग म्यू का एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या, साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज स्नेल्स लॉ, है ना। तो अगर म्यू वन से बड़ा है, म्यू जो है वन से ग्रेटर है, तो इस केस में साइन, अब जैसे बात है म्यू वन से बड़ा है तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो साइन आई विल बी ग्रेटर देन साइन आर, यानी आई विल बी ग्रेटर देन, अब ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन जो होता है वो कैसा फंक्शन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से अगर साइन आई क्या होगा ग्रेटर है साइन आर से तो आई भी क्या होगा ग्रेटर होगा, यानी आई की यानी थीटा की जब वैल्यू बढ़ती है तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, थीटा की वैल्यू कम होती है साइन की वैल्यू कम होती है, तो यहाँ आई क्या हो जाएगा ग्रेटर देन आर, यानी यहां पे I की वैल्यू ग्रेटर होगी R से, तो यानी ये जो है इधर तो जाने से क्योंकि इधर जाएगा तो R की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी तो वो किधर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं जब मीडियम चेंज कर देंगे, यानी मीडियम चेंज करने का क्या मतलब हुआ कि जब लाइट जो है ट्रेवल्स कर रहा हो डेंसर टू रेयर, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है कुछ दूसरा नहीं है, डेंसर टू रेयरर, ये हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये इंसिडेंट लाइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस,
यहाँ पे देखते हैं, अब हम लोग ये चेंज कर देंगे। अब इस केस में क्या होगा, ये वी वन था, ये वी टू, ठीक है। ऊपर हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या कि टेंसर मीडियम में क्या है, वी वन लाइट की स्पीड है और रेयर मीडियम में वी टू है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है वी टू ग्रेटर होगा। जब वी टू ग्रेटर होगा यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन वन, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा वो लेस देन वन। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेस देन वन होगा, यानी इस केस में भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा। डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये साइन चेंज हो गया, ये जब आर बड़ा है, साइन आर बड़ा है, तो यहाँ पे आर भी ग्रेटर। लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे। अब ये जाएगा कैसे, ऐसे, यानी ये एंगल जो है आई से, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा, इसलिए इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बेसिक रीजन है ना। हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए। किसी को कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।